हेलो गाइस, तो के सब तो मेरे पास आ गया एक और नया वीडियो लेके माइनक्राफ्ट फ्री सर्वर टूर पर। तो आज हम लोग आप लोग को बताने वाले एक और नया फ्री सर्वर के बारे में, जिसका नाम है हेक्टो होस्टिंग। तो इन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे फ्री का ऑफर देता है फ्री माइनक्राफ्ट सर्वर लेने का। तो चलते हैं इनके पहले डिस्कॉर्ड में। तो यहाँ पे हम लोग आ गए इनके डिस्कॉर्ड के अंदर। तो यहाँ पे आप लोग जैसे बहुत सारे इनका ऑप्शन आ सकते हैं, बहुत सारे कई ये ऑफर है इनका। न्यूज में आप लोग जाएंगे तो इनका अपडेट आप लोग देख सकते हैं, क्या क्या न्यूज इनका अपडेट आता रहता है तो यहाँ पे लोग देख सकते हैं। और चलते हैं इधर नीचे नीचे में आप लोग को यहाँ पे देख सकता है रूल, इनका रूल भी पढ़ लीजिएगा कोई डिस्कॉर्ड के अंदर रहेगा तो। और यहाँ पे हम लोग नीचे और आ जाएंगे, नीचे आप लोग को दिख रहा होगा अब फाइंड टू अस। फाइंड टू अस में आप लोग जाएंगे तो इनका लिंक और डैशबोर्ड का लिंक आप लोग को सारा इधर मिल जाएगा। चाहे तो हम लोग परचेस करना हो तो इनका साइट के थ्रू परचेस कर सकते हैं, या फिर डैशबोर्ड आपको खोजना है तो इनका यहाँ पे लिंक है, यहाँ से आप लोग खोज सकते हैं। और यहाँ से आप लोग स्टेटस में आप लोग चेक कर सकते हैं, इनका नोट ऑनलाइन ऑल टाइम रहता है तो नोट से आप लोग आराम से देख सकते हैं इनका नोट ऑनलाइन है क्या नहीं। और इधर आप लोग नीचे में देख सकते हैं और भी इधर बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे आप लोग देख सकते हैं माइनक्राफ्ट, माइनक्राफ्ट यहाँ पे इनवाइट का चल रहा था तो इनका ये ऑफर ऑफ बंद हो चुका है। तो अभी यहाँ पे ये ऑफर इन लोग का चल रहा है कि आप लोग इन्वाइट करेंगे 15 इन्वाइट करेंगे तो आप लोग को 6 GB RAM का आप लोग को मिलेगा। अगर आप लोग 5 इन्वाइट किए तो 2 GB, 10 इन्वाइट किए तो 4 GB, ऐसे अगर आप लोग बूस्ट किए तो 1 GB और प्लस हो जाएगा आपके उस सर्वर में। तो यानी कि में एक बार आप लोग इनवाइट कर लीजिए 15 प्लेयर या 10 प्लेयर तो आराम से आप लोग को एक तो फ्री सर्वर मिल जाएगा, कोई आप लोग को इशू नहीं उठाना होगा और ये आप लोग का सर्वर आराम से रहेगा। तो चलते पहले आप हम इनका सर्वर का दिखा देते कैसे इन लोग का सर्वर चलता है। तो इन लोग का कोई नेटवर्क इशू नहीं होगा तो उसके लिए पहले मैं डैशबोर्ड का इनका लिंक पहले आप लोग को एक बार जाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे माइनक्राफ्ट का प्लान भी यहाँ पे, अगर यहाँ पे आप लोग को यहाँ से टिकट करके आप लोग को खरीदना होगा तो खरीद सकते हैं, या फिर इनके साइट के थ्रू खरीद सकते हैं। तो एक बार जाकर आप लोग को दिखाते हैं। तो इनका ये रहा साइट, तो यहाँ से आप लोग व्यू प्राइस पे आप लोग क्लिक करके आप लोग इनका प्राइस यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग डायरेक्ट परचेज कर सकते हो उनका सर्वर। और यहाँ से परचेस करके आराम से डिस्कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो तो इससे बात कर सकते हैं डिस्कॉर्ड के अंदर। तो चलते हैं आप इनके मेन सर्वर के अंदर, तो चलते हैं हम लोग इनके पैनल के अंदर। तो ये रहा पैनल का लिंक, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग लॉग इन सब मान लें पैनल के अंदर, तो पैनल का लिंक आप लोग को उधर मिल जाएगा उन लोग के पास, उनके पास। तो इधर आप लोग और ऊपर देख सकते हैं अपडेट्स में इनका लिंक का अपडेट भी होते रहता है, तो यहाँ पे पहले आता है और न्यूज आता है। तो चलते हैं इनका लिंक के अंदर। तो यहाँ पे मैंने एक सर्वर इन लोग से लिया ले चुका, तो इनको मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले इनका सर्वर को पहले स्टार्ट करके चेक कर लेता हूँ स्टार्ट हो रही है कि नहीं, तो होने का तो हो जाएगा लगता है। तो यहाँ पे हम लोग का सर्वर हो रहा है स्टार्ट, तो वेट करते हैं सर्वर स्टार्ट होने का। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे डिस्कॉर्ड में ज्वाइन होकर रहिए, क्योंकि न्यू न्यू फ्री सर्वर के अपडेट में मैं पहले अपना भी डालते रहता हूँ, कुछ इशू रहता है उस सर्वर में तो उनका अपडेट भी मैं डाल देता हूँ उनमें। तो आप लोग पहले ज्वाइन होकर रह जाइए। तो यहाँ पे एग्री वाला ऑप्शन आ रहा था, एग्री पे क्लिक कर दीजिए आप लोग। तो यहाँ पे हम लोग का जब सर्वर स्टार्ट करें तो लाइक सब्सक्राइब ठोक दीजिए। तो यहाँ पे लोग हम लोग का सर्वर लगभग स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग का सर्वर स्टार्ट हो गया, तो चलते हैं फाइल में। फाइल में हम लोग जो प्लगइन आप लोग डालना प्लगइन डाल लेते हैं, जैसे हम लोग गीजर ये सब डालना, तो सब पहले हम लोग वही डाल लेते हैं 4 प्लगइन। तो फाइल अपलोड की जाते हैं और यहाँ पे गीजर ये सब डाल देते हैं, ये सारे डालने के बाद अपलोड पे क्लिक करते हैं। तो अपलोड हम लोग यहाँ पे हो रहा है, तो अपलोड पे हम लोग क्लिक करके देख सकते हैं अपलोड हो रहा है। तो देख सकते हैं हम लोग का अपलोड हो गया, तो सिर्फ बाकी तो ये भी हो गया, लास्ट एक बचा है तो ये भी हो गया। तो एक बार सर्वर को फिर से रिस्टार्ट कर लेते हैं। और इनका
डिस्कॉर्ड का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर मेरे डिस्कॉर्ड के अंदर आप लोग को मिल जाएगा। तीनों साइड तीनों जगह पे आप लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पे लगभग सर्वर स्टार्ट हो ही गया है हम लोग का। तो यहाँ पे हम लोग का सर्वर स्टार्ट हुआ, तो एक बार इनका आईपी एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं गीजर स्प्लिट में। पॉकेट एडिशन को पता होगा गीजर स्प्लिट क्या कॉन्फ़िगर करना होता है, तो वही कंप्यूटर में कर रहा, तो आप लोगों को नहीं पता तो यहाँ पे कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को पोर्ट दिया, तो पोर्ट को काट के छुपा आपका आईपी का पोर्ट दिया है, पोर्ट को डाल देना। और नीचे में आप लोग को एक एड्रेस दिखेगा जिसमें ऑटो लिखा होगा, उस ऑटो को काट के आप लोग को एड्रेस जो आईपी एड्रेस दिया हुआ है उस एड्रेस को डाल देना है। तो चलते खोजते एड्रेस हम लोग कहाँ पे। हम लोग एड्रेस ऑटो को काट देना है, जो आईपी एड्रेस है उसको डाल देंगे, आईपी पोर्ट है उसको डाल देंगे, और पोर्ट को काट देना, सिर्फ आईपी एड्रेस को डाल देना। और यहाँ पे एक और पोर्ट दिखेगा, वहाँ पे 6 होगा, उसको काट के 7 कर दीजिएगा। और नीचे आप लोग को दिखेगा एक और ऑथोराइज करके दिखेगा, तो इसको आप लोग को सूट गेट पे सेट कर देना। तो ये सब हो जाएगा, तो आप लोग को कॉन्फ़िग सेव कर देना। सेव कर देगा आप लोग को वापस एक बार रिस्टार्ट कर देना है कंसोल में जाके। जैसे आप लोग का रिस्टार्ट हो जाएगा, फिर आप लोग को जाना है गेम में, गेम में आप लोग को ज्वाइन करना है। अगर कुछ इशू आता है आप लोग सर्वर एडिट करने में, या फिर कुछ प्रॉब्लम होता है प्लगइन लगाने में, तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं डिस्कॉर्ड के अंदर, तो मैं उनका सॉल्यूशन मैं बताने का कोशिश करूंगा। और यहाँ पे हम लोग का सर्वर हो गया रिस्टार्ट, तो चलते हैं अब गेम के अंदर। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ गेम के अंदर, तो यहाँ पे चलते हैं गेम को ऐड करते हैं अपना, ऐड न्यू सर्वर, नीचे में आप लोग को मिलेगा। और अभी ऑफर चल रहा है दिवाली ऑफर, आप लोग जाके माइनक्राफ्ट ओरिजिनल वर्जन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं सिर्फ 30 रुपया में, तो जाइए जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ पे मैं अपना फोन सब डाल के नाम कुछ भी रख दीजिए आप लोग। तो यहाँ पे नीचे एड्रेस से पोर्ट को हटा देता हूँ, जो पोर्ट है उसको नीचे में डालना है, जो पोर्ट इसका है तो वो सही डालना, और नाम आप लोग कुछ भी दे सकते हो। तो मिनी का सर्वर का नाम दे देता हूँ, तो ये हो गया सेव। तो चलता हूँ इसको करता ओपन ज्वाइन सर्वर। तो यहाँ पे हम लोग ज्वाइन हो रहा है, तो देख सकते हम लोग ज्वाइन हो गए। तो यहाँ पे हम लोग तुरंत लोड ले लिया सर्वर, तो इजी आप लोग कितना जल्दी इसमें सर्वर लोड लिया। और यहाँ पे कुछ लैग वैग भी नहीं कर रहा हूँ, तो वही सर्वर है जो आराम से कर रहा, थोड़ा बहुत लोड लेने टाइम ले रहा, आगे में लोड ले लिया, लेकिन इतना जल्दी ये लोड ले लिया ये बहुत बड़ा अच्छा हुआ था। यहाँ पे जैसे पेड़ तोड़ रहा था, फोन टूट जा रहा, कुछ लैग वैग भी नहीं कर रहा, और इधर भी ठीक है। तो चलते हैं गेम मोड को आप लोगों को दिखाता हूँ, क्रिएटिव करके ऑपरेटिव में डाल के आप लोग को चेक कर देता हूँ। तो चलते हैं गेम मोड को पहले चेंज करते हैं, उसके लिए मैं पॉप अप निकाल लेता हूँ बगल में आप लोग सर्वर का। अच्छा तो सर्वर का यहाँ पे हम लोग ने पॉप अप को निकाल लिया, और यहाँ पे आप लोगों को कंसोल में लिखना है op.kscaler-534, जो आपको गेम का टैग है वही टैग को डाल देना। अगर आप लोग पॉकेट एडिशन है तो डॉट पहले डाल देना, अगर जावा एडिशन है तो डॉट नहीं डालना होगा आप लोग को। ये सब डालने के बाद आप लोग को इंटर करते हैं, तो देख सकते हैं हम लोग को आगे सर्वर का अपडेट मिल गया है।
तो ये मिल जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे करना है गेम मोड क्रिएटिव प्लस गेम मोड क्रिएटिव, ये देखिएगा तो आप लोग को एंटर कर देना है। इंटर कर दो तो आप लोग देख सकते हैं आ गए हम लोग क्रिएटिव मोड में यहाँ पे। तो आप लोग को थोड़ा सैर करके दिखाते हैं इस वर्ल्ड का, तो देख सकते हो यहाँ आगे थोड़ा 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 लोड ले लिया लेकिन चल रहा है, मतलब स्मूथ चल रहा है। अगर आप लोग का नेटवर्क स्लो है तो आप लोग का लोड भी थोड़ा स्लो ले सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क आप लोग जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से लोडिंग लेते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि लोड नहीं ले रहा आपका सर्वर, लोड नहीं ले रहा, लेकिन आपका नेटवर्क को चेक करिए, नेटवर्क आप लोग का माइनक्राफ्ट में सही चल रहा है तो आप लोग का लोड सही चलेगा। अगर आप लोग का माइनक्राफ्ट में सही से नेटवर्क नहीं चल रहा तो आप लोग का लोड कहाँ से लेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना इजिली चल रहा है यहाँ पे रोइन पोर्टल में, तो चेक करते हैं इसका पेटी में क्या है, तो इसमें कुछ खास निकल जाए। अरे भाई क्या हो रहा है टट्टी का, तो यहाँ पे हमें टट्टी है और कुछ नहीं, टट्टी का सामान टट्टी रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे तोड़ देते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे एक पम्पकिन चिकन आ गया है, चिकन फ्राई बनाएगी इसका, चलो मारो चलो जा अपना जी ले जिंदगी। तो आप लोग को जरूर अच्छा लगा ये सर्वर, तो आप लोग जल्दी ज्वाइन करिए, जितना आप लोग का जल्दी हिस्से वैसे से इनवाइट करिए, आप लोग को फ्री में मिल जाए एक सर्वर, और वैसे ऐसे आप लोग अपडेट करते रहिए सर्वर को। तो मिलते हैं आप लोग ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड मिलते रहे ऐसे न्यू न्यू वीडियो के साथ और फ्री सर्वर के साथ, तब तक से बाय बाय।